अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक स्टेप मज़ीद आगे चलते हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बेटा, आप लोगों ने लाजमी तौर पर इस बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अभी तक हमने बहुत मरतबा बात की है कंपाउंड्स के बारे में, ये कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, वैसा कंपाउंड है। बहुत तवील बारे तवील गुफ्तगू रही है हमारी कंपाउंड्स के हवाले से ना। आज का जो हमारा ये चैप्टर है, ये हमें अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कंपाउंड्स होते क्यों हैं, कंपाउंड्स बनते क्यों हैं और कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। हमें क्यों का जवाब भी मिलेगा और कैसे का जवाब भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक जो मतलब डेफिनेशन है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की, तो डेफिनेशन क्या है कि वो फोर्स या फैक्टर जो दो एटम्स को जोड़ के रखे। केमिकल बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड्स डिफरेंट एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल। मॉलिक्यूल और क्रिस्टल से क्या मुराद है? देखो, हम एक रिएक्शन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, ठीक है। होता क्या है कि भाई कार्बन के एटम्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम्स हैं बहुत सारे हमारे पास। होता क्या है कि जब रिएक्शन होता है तो बहुत सारे कार्बन के एटम्स से ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे कार्बन के एटम से ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ते हैं या चिपक जाते हैं, तो इसको हम, ये जो चीज़ अभी आपके सामने बन गई, अब ये दो एटम्स का एक मजमुआ बन गया, दो एटम्स का एक सम बन गया है। तो ये जो दो एटम्स का एक सम है, इस सम को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इस सम को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि जब मुख्तलिफ एटम्स जुड़कर एक आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। अच्छा, अब अगर ये मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया, तो अब एक सिंपल सी मिसाल है बेटा। अगर आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास मुख्तलिफ टेनिस बॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक टेनिस बॉल मेरे पास पिंक कलर की है और एक टेनिस बॉल में मेरे पास वाइट कलर की है, और मैं आपसे कहूं कि आपको इन टेनिस बॉल्स को जोड़ना है, ठीक है। अब इन टेनिस बॉल्स को जोड़ने के लिए आप जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा कि आप तरीका मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल करेंगे कि आप दोनों बॉल्स के बीच में एक ग्लू अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और उस ग्लू के ज़रिए, फॉर एग्जांपल उस ग्लू के ज़रिए आप इन दोनों बॉल्स को जोड़ देंगे। अच्छा, ये जो ग्लू होगी यहाँ पर, ये क्या होगी, ये यहाँ पर बॉन्डिंग का किरदार अदा कर रही है। यानी कि ये जो दोनों बॉल्स एक दूसरे से जुड़ी, ये बॉन्डिंग का किरदार अदा कर रही है। तो सेम केस को, सेम एग्जाम्पल को आप एटम्स पर अप्लाई कर दें कि अलग अलग एटम्स हैं और उन अलग अलग एटम्स को एक साथ जोड़ने के लिए मैं उनके दरमियान कोई ग्लू लगा दूं। वो ग्लू हमारे पास अलग अलग टाइप्स की बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो ग्लू हमारे पास अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास बॉन्डिंग कहलाएगी बेटा, और इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। आगे चलते हैं। हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग यानी कि केमिकल बॉन्ड तीन टाइप्स का होता है बेटा। आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर इसको कॉमन एग्जांपल में हम एक्सप्लेन करें तो, फॉर एग्जांपल मैं दो बॉल्स को जोड़ने के लिए आप पूरी क्लास के सामने तीन अलग अलग तरह की ग्लूज रख दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लू जो है वो आयोनिक, एक ग्लू का नाम आयोनिक है, एक ग्लू का नाम कोवेलेंट है और एक ग्लू का नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट आयोनिक ग्लू का इस्तेमाल करेगा तो बॉल्स जुड़ जाएंगी, तो दैट बॉन्डिंग इज कैन बी कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्डिंग।
कोई स्टूडेंट अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग का कोवेलेंट ग्लू का इस्तेमाल करेगा तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, और अगर कोई स्टूडेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग का की ग्लू का इस्तेमाल करेगा तो दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक होप्स आपको बात क्लियर हुई हो, मजीद यहाँ से हम आगे चलेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बॉन्डिंग होती क्यों है, ठीक है, बॉन्डिंग होती क्यों है, एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, एटम्स क्यों कंपाउंड बनाते हैं। तो अब इसका रीजन बताने चला हूं, एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज एटम्स आर अनस्टेबल, क्योंकि एटम्स अनस्टेबल होते हैं इस वजह से एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, एटम्स अनस्टेबल क्यों होते हैं? एटम्स अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर लास्ट शेल। तो आखिरी शेल जो होता है उस आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की वजह से एटम अनस्टेबल होता है। चैप्टर 3 में मैंने आप लोगों को एटम्स के शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओ में जो है वो 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। ये तो मैक्सिमम तादाद है जो किसी एटम में आ सकती है, किसी शेल में आ सकती है। लेकिन एटम स्टेबल कैसे हो सकता है, एटम स्टेबल कितने इलेक्ट्रॉन्स पर हो सकता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो तो एटम स्टेबल होगा? एटम स्टेबिलिटी हासिल करता है, एटम स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है इफ इट्स ऑक्टेट और ड्यूबलेट, ऑक्टेट और ड्यूबलेट इज कंप्लीटेड। अगर एटम का ऑक्टेट या ड्यूबलेट कंप्लीट हो जाए तो बेटा उसे कहते हैं हम एटम का स्टेबल हो जाना। अच्छा, अब सर ये लव्ज ऑक्टेट या ड्यूबलेट क्या है? बेटा ऑक्टेट का जो लव्ज है, ऑक्टेट का मतलब होता है एट और ड्यूबलेट का मतलब होता है 2। मैंने आपको एलिमेंट्स की जो टोटल तादाद बताई है वो 118 बताई है। 118 एलिमेंट्स में से अगर हम हेलोजन्स को हटा दें, क्योंकि हेलोजन जो है वो हमारे पास स्टेबल होते हैं, वो कंपाउंड्स बहुत कम फॉर्म करते हैं, तो हेलोजन्स को भी हम काउंट नहीं कर रहे इन 118 में। तो मतलब 118 बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में जो हमारे पास शुरू के 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये 5 एलिमेंट्स चाहते हैं कि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है, ये एलिमेंट्स चाहते हैं कि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएंगे, यानी इनका ड्यूबलेट कंप्लीट हो जाएगा। इन 5 एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने 112-113 एलिमेंट्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाए। अच्छा, अब किसी के जहन में ये क्वेश्चन अगर आए कि सर देखिए शेल में तो 18, 32 और 50 इलेक्ट्रॉन्स की भी जगह होती है तो 8 पर स्टेबल? जी बेटा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम जगह है कि भाई मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब अगर 3 शेल्स होंगे किसी एटम में तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की जगह होगी, किसी में 4 शेल्स होंगे तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होगी, किसी में 5 शेल होंगे तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन की जगह होगी। जगह होना और बात है बेटा, और स्टेबल होना और बात है। इन शेल्स के होने के बावजूद भी एटम के आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसमें 3 शेल है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब तीसरे शेल में फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 12, लेकिन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, यानी कि एटम का शेल स्टेबल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, कंप्लीट होने के लिए भले ही 12 चाहिए उसका हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं। वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो स्टेबिलिटी वाली नहीं होती। स्टेबिलिटी वाली तादाद क्या होती है? या तो 2 या तो 8,
दो इलेक्ट्रॉन की तादाद सिर्फ और सिर्फ पांच एलिमेंट्स के लिए होती है शुरू के, जिनके नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। इन पांच के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो आठ इलेक्ट्रॉन्स ही अपने शेल में चाहते हैं, वो आठ इलेक्ट्रॉन से ही स्टेबल होते हैं। उपसो आप लोगों को ये बात क्लियर हुई हो। आगे चलते हैं। अब हमारे पास पहली बॉन्ड की टाइप है जिसका नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, आयोनिक बॉन्डिंग में अच्छा केमिकल बॉन्ड का जो भी ताल्लुक होता है होल टू होल वो इलेक्ट्रॉन से होता है। याद रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग का जो भी ताल्लुक होता है वो होल टू होल इलेक्ट्रॉन से होता है। केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर में मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई जिक्र, कोई हेल्प नहीं लूंगा, इसका कोई भी ताल्लुक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से नहीं होता। तो आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड की वो टाइप है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास एक हमने एग्जाम्पल ली है सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल की। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये किस तरीके से होता है देखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है न्यूट्रल सोडियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, सोडियम न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, दूसरे में आठ होते हैं। ठीक है, दूसरे में आठ होते हैं, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, आठ इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि देखो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये दोनों एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। ये चाहता है कि इसके आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ये चाहता है कि इसके आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। दोनों की ख्वाहिश है कि इनके आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अच्छा, सोडियम को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जगह 18 की है, लेकिन 8 हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है, हम बात कर चुके हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें और आ जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये इसका सोडियम का स्ट्रक्चर बना है। ये देखो, पहला शेल दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आठ इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, आठ इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। ठीक है, अब सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। सोडियम अपने इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है बेटा क्लोरीन को। अच्छा, जब सोडियम अपने इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफर करता है तो इसकी वजह से सोडियम पर आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये उठता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आया, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, जब न्यूट्रल एटम होता है, यानी कि ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी को इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब है कि उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सेम क्लोरीन पर आओ, अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगेन, इनको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो अब एटॉमिक नंबर तो उतना ही है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 से कम होकर कितने हो गए, 10 हो गए। अब अगर मैं प्लस माइनस सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं बेटा, तो क्लोरीन ने जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन के एटम पर जो पहले ये प्लस 1 बचा, अब क्लोरीन के एटम पर क्या होता है कि जब प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है 17 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया ना, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स,
नेगेटिव। अब इनको प्लस माइनस कर लें तो ये माइनस वन हो गया, तो माइनस वन हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सही है, न्यूट्रल वैल्यू से, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया न्यूट्रल वैल्यू से, दैट इज वाई सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि केमिस्ट्री में आज के बाद मैं अगर किसी भी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उस पर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और अगर किसी चीज़ पर मैं नेगेटिव चार्ज देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात बचपन से पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस अट्रैक्ट्स ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम और क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे मैग्नेट के दो टुकड़े होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल का और एक साउथ पोल का, अगर इन दोनों को सामने ले आए तो क्या होता है कि मैग्नेट के दोनों टुकड़े एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। वैसे ही ये भी ऑपोजिट चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्ज सोडियम है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएंगे। अब ये दोनों एटम्स एक दूसरे से जुड़ गए और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब दो एटम्स एक दूसरे से जुड़ चुके हैं बेटा, ठीक है, दो एटम्स एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो ये क्या फॉर्म हो गया आपके पास, ये फॉर्म हो गया बेटा आपके पास मॉलिक्यूल। इसे कहते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग। यानी आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। होप सो आप लोगों को सारी बात समझ में आई हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।